Boys and girls, welcome to another vlog with RHS. Salamu alaikum. Alhamdulillah, this is my fourth vlog. ठीक है, और आज के vlog के अंदर हम लोग जो काम करेंगे वो ये है कि जो मैंने अभी last vlog के अंदर एक extra kit लगवाई थी और एक ये spoiler लिया था, इन दोनों को आज हमने एक इनकी फिटिंग करवानी है. फिटिंग के बाद हमने इनको पेंट करवाना है. ठीक है, अब तो फिर आगे देखेंगे क्या और होता है. गाइस, हम पहुंच चुके हैं इधर. ठीक है, और वो सामने वाला जो प्लाजा है ना, उधर हमारी गाड़ी का काम होता है, तो अब हम इसको उधर लेके जाते हैं. अच्छा गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं. ठीक है, और ये सामने उन भाई की दुकान है, और ये है भाई. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं भाई जान आप? ठीक है भाई, पेंटर भाई को कॉल करने वाले हैं. ठीक है, आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? इन्होंने मुझे 12 का टाइम दिया था. लेकिन मैं 12:30 आया हूँ, तो अब देखते हैं वो आते हैं फिर आगे फर्दर काम होता है. अब बात ऐसे है कि अब वो मुझे भाई जो सामने बाइक पे है ना, वो मुझे लेके जा रहे हैं पेंटर की शॉप पे. ठीक है, और उधर गाड़ी खड़ी होगी और उधर सब कुछ हो, मतलब स्पॉइलर और जो किट है ना वो उधर पेंट होगी. तो अभी मैं इनके साथ जा रहा हूँ, तो अभी पेंटर की दुकान पे जाते हैं. ये हो रही है यार सिविक का बैक साइड डाउन बम्पर, ये भी इसको पेंट करेंगे. ठीक है, ये पेंट होना है, फिर उसके बाद स्पॉइलर पेंट होगा. तो इस सब हिसाब अभी ये देखने लगे हुए. अच्छा गाइस, सीन ये है कि अभी गाड़ी का जो बम्पर है वो रीपेंट हो रहा है, वो सामने गाड़ी खड़ी हुई है. ठीक है, वो देखें, वो उस पर हो रहा है. ये मैं अमाद भाई के पास आया हूँ, सामने बैठे हैं. ये देखें अमाद भाई. तो अमाद भाई मुझे यार एक की चेन बड़ी प्यारी सी मंगवा के दे रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रही है. इन्होंने मुझे एक और की चेन दिखाई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. ये देखें यार ये की चेन सर, ये इसका बटन किधर था यार? ये अमाद भाई ऑन करके दिखाएं. ये इसका सिर्फ देखना है यार कितना मजे का लोगो इसका आता है. ये देखें होंडा का, होंडा का लोगो है. हाँ ये देखें, ये कितना प्यारा लगता है. साथ ये देखें लाइटर भी है इसके. हाँ, जो सिगरेट वाले मेरे भाई हैं वो पी सकते हैं इसको इस तरह करके. ये देखें, बाकी ये फेस लिफ्ट भी करते हैं गाड़ी. और ये सामान भाई बैठे हुए. ठीक है, ये इनके पास आर एस टर्बो की ग्रिल्स हैं. चेक आउट दिस यार की, ये देखिए इतनी माशाल्लाह प्यारी स्प्रे हो रही है, बिल्कुल बॉडी जैसा इसका रंग अभी आने वाला है. देखें माशाल्लाह यार, इट लुक सो गुड. अभी ये पूरा जब होगा ना एक दफ़ा ये पूरा, फिर ज़्यादा प्यारी लगेगी. ये सीन देखें, ये स्पॉइलर जो हमारा वाइट था ये प्योर मैट ब्लैक हो गया. और ये पीछे यहाँ इसके ऊपर आएगा, एंड इट लुक सो गुड यार माशाल्लाह. बस अब ये स्पॉइलर जाके लगवाएंगे. ठीक है, बस अब फ्रंट पे वहाँ एक कोई टचिंग थी, तो मैंने कहा उधर नीचे से बम्पर को वो साफ कर दें. तो बस ये पीछे से हो गया. ये देखें टचिंग हो रहे हैं, ये देखें पीछे से माशाल्लाह. वो स्पॉइलर सामने पड़ा, वो गाड़ी में डालते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं. अस्सलामुअलैकुम, हम आ गए वापस आपके पास सुबह के. हंसते ही रहते हैं माशाल्लाह आप लोग तो यार, अच्छी बात है यार. आप नहीं हंसते हो? नहीं तो साथ में बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई. ए होए, ये हंसाते हैं आप लोगों को? ऐसा क्या काम करते हैं ये जो आप लोग हंस लेते हैं? शुगल मेरा लगा रहता है. लगवा लिया आपने उसको? डबल टेप है, कुछ भी नहीं. डबल टेप आप उसको लगवा लें. हाँ हाँ, फिटिंग में आपको. अच्छा गाइस, सीन ये है कि अब आखिरकार वो लग गया. ठीक है, ये आप देख लें माशाल्लाह, ये इनखान भाई ने लगाया है, हंस रहे हैं. चले यार ठीक है, अल्लाह हाफिज़. ये तो अब मैं निकलता हूँ. ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी भाई के साथ. अल्लाह हाफिज़. कल काम करवाना था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया कवर, तो बम्पर पेंट हो गया, स्पॉइलर लग गया. अच्छा गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं मरी रोड सेवर की साइड पे. तो अभी यहाँ से आगे सेवर बस आने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे आएगा. तो बस अभी यहाँ से ऑर्डर करते हैं और खा कर फिर घर चलते हैं, क्योंकि बहुत थक गया हूँ यार आज, लिटरली बहुत थक गया हूँ आज. पेंट करने की वजह से मुझे इतनी देर बैठना पड़ा उधर. मैं 11 बजे घर से गया था और पता नहीं 6:30 समथिंग होने वाले हैं, तो इतनी देर हो चुकी है. अच्छा गाइज, अभी वापस आते हुए मुझे एक चीज़ पता लग गई है कि कल पेट्रोल महंगा हो रहा है. ये किधर बैठी हुई है अभी? ये 44 किलोमीटर की स्टे रही है. तो यार अब वो सामने पेट्रोल पंप है, ये लाइन में हम लगे हुए हैं. ठीक है, तो अब पेट्रोल डलवाते हैं और फिर यहाँ से डायरेक्ट घर. गाड़ी भी ऊपर से रिजर्व पे है, तो अब तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा. तो लेट्स सी अब क्या हालात चलते हैं मुल्क के यार. वैसे तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, अब मुझे लगता है सड़क का भी निकालनी पड़ेगी, कोई छोटी गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी मेरा टाइप.
तो यार पेट्रोल ले लो आते हैं फिर उसके बाद डायरेक्ट घर। जब ये सीन है अभी पेट्रोल दिलवा के मैं फारिग हूँ, तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा पेट्रोल दिलवाते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल दिलवा लिया ठीक है। और तकरीबन 11,050 रुपए की फुल हुई है। आई होप सो आज का मेरा व्लॉग आप सबको पसंद आए। डू सब्सक्राइब लाइक और कमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।